स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका भी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री मीन्स इतिहास। उसमें भी गांधी युग पढ़ रहे हैं, जो कि 1917 से लेके 1947 तक को कहा जाता है। तो इससे पहले मैंने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम देखेंगे 91 से। तो प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आंसर क्या होगा? डी, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने बनाया था? वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आंसर क्या होगा? बी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो कहाँ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद आंसर होगा बी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आंसर है सी। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कौन से जगह पे है? तो यह है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में आंसर होगा सी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? आसान सा प्रश्न, 1915। अच्छा, किस तिथि को लौटे थे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और उस दिन कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक ना? ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो। अब गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित था? तो वो थे पंजाब के सिंध प्रांत से। आंसर क्या है? पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? 1939 में। 1939। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 प्रांत थे। आंसर होगा डी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ये बहुत अधिक पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने की संकल्पना अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता मीन्स किनके द्वारा किया गया था? ये था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद व कृषि विभाग। और रेलवे मंत्री पूछ लिया जाता है, लियाकत अली खान रेलवे मंत्री मिनिस्टर थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो क्या गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। मीन्स फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? यह किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। सूर्य सेन। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग के नियुक्ति किया गया था। भारत के विभाजन का बाल्यांक प्लान उपज था, ये किनका उपज था?
माउंटबेटन के मस्तिष्क का, माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ये कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला वार ब्रिटिश साम्राज्य के सबूत की एक कील सिद्ध होगी? ये कहा गया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ये कब कहा गया था? जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया था तो इनको पीटा गया था सैंडर्स के द्वारा, तब ये बात कहे हुए थे। और सैंडर्स को मारा किसने था? भगत सिंह ने, ये भी आपको याद रखना होगा। अब निम्नलिखित में से किसने, किसके कारण सर्वाधिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? वो था द रॉलेट एक्ट, द रॉलेट एक्ट। आंसर क्या है? सी। पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसके द्वारा लिखा गया? बीपी मेनन, बीपी मेनन। कौन सा बुक है? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो वो था भारतीय दलित वर्ग का, भारतीय दलित वर्ग का। आंसर है सी, सॉरी डी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नाम से सेना बनाई? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो इनमें से शिक्षक कौन से थे? जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोसाइटिक, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का स्थापना कहाँ किया गया था? दिल्ली में, दिल्ली में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्यों हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। आंसर क्या होगा? बी। और उन पे गोली कौन चलवाया था? जनरल डायर, ये नाम आप याद रखोगे, पूछा जाता है डायर। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बाकीपुर जेल में, बाकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? वो थे सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है स्थल और प्रांत, हमने यहाँ पे मिलाना है। तो बरदौली का जो था वो था गुजरात में, बरदौली गुजरात। चौरा चोरी हुआ था उत्तर प्रदेश, चौरा चोरी उत्तर प्रदेश। यरवादा महाराष्ट्र में हुआ था। और नावखली कहाँ था? पश्चिम बंगाल। फिर से पढ़ता हूँ, बरदौली गुजरात, चौरा चोरी उत्तर प्रदेश, यरवादा महाराष्ट्र, नोआखली पश्चिम बंगाल। आंसर क्या है? बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? वो प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को ही नागासाकी पे बम गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में 9 अगस्त को संविधान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था, सॉरी 9 अगस्त को, ठीक ना, पहला संविधान सम्मेलन हुआ था। तो 9 अगस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। अब वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं किया गया था, याद रखिएगा। और भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ कटाजू, ये सब उनके समर्थक थे। अब है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? कौन दिया था? स्वामी सर्दानंद, स्वामी सर्दानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पार्टी को भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन लोगों ने समर्थन नहीं किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या है, डी। निम्नलिखित में से काल क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए सही उत्तर का चयन करता है, मीन सबसे पहले क्या हुआ था इसमें से वो आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ था खिलाफत आंदोलन, फिर था असहयोग आंदोलन, उसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सबसे लास्ट में था भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर क्या है यहाँ पे, सी। नेक्स्ट है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ये क्या है, सही है। फिर सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ये भी सही है, इसी के लिए इसका विरोध किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता से के रूप में था? कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो टोटल 132 प्रश्न थे, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और इससे पहले मैंने लुसेंट का लगभग कंप्लीट कर लिया है, डेट मीन्स कंप्यूटर हो गया है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, संविधान हो गया है, हिस्ट्री अभी चल रहा है। तो आप अगर वो नहीं देखे होंगे तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक का लिंक मिल जाएगा, यानी तो आप लिस्ट पर जाके, मैं सबका एक सीक्वेंस डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरा अपडेट मिलता रहे एजुकेशन रिलेटेड, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।